गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थे। चौथा क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर दिया है बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इस बहुपद को जी एक्स बहुपद से भाग देने पर भागफल x माइनस 2 आता है और शेषफल क्या आता है, माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो जी एक्स बहुपद ज्ञात करना है, यानी हमको भाजक बहुपद ज्ञात करना है। तो यहां देखिए पी एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया है, और भाग देने पर जो भागफल बहुपद आ रहा है तो भागफल बहुपद को हम क्यू एक्स से लिखते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 दिया है। शेषफल बहुपद आर एक्स कितना दिया है, माइनस 2x प्लस 4। तो जी एक्स पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पढ़े हैं, यही नियम एलजेब्रा के लिए भी लागू होता है। तो हम लिख सकते हैं भाज्य पी एक्स बराबर भाजक जी एक्स इंटू भागफल क्यू एक्स प्लस शेषफल आर एक्स, और इसमें सब वैल्यू इसमें रख देंगे तो पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स, हमको नहीं पता है जी एक्स को जी एक्स लिखेंगे, डॉट क्यू एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2 अब प्लस आर एक्स दिया है इन ब्रैकेट माइनस 2x प्लस 4। अब इस पक्षांतर कर दे बाएं पक्ष में तो मिलेगा आपको जी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 2x, और ये प्लस 4 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4, यानी जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2x, और प्लस 4 इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस 4। इसको सरल कर देंगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और प्लस एक्स प्लस 2x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3x। इसी प्रकार से अचर पद को सरल करेंगे तो प्लस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसलिए जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो बहुपद आया है इसमें जी एक्स के गुणांक यानी एक्स माइनस 2 से भाग दे देंगे तो जी एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान एक्स माइनस 2। अब इसके बाद अंश में हर का भाग दे देंगे, एक्स माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग दे देंगे। तो यहां पर प्रथम पद क्या है, एक्स क्यूब है, इसका प्रथम पद क्या है x है, भाग देंगे इसमें इसका भाग देंगे तो भागफल का पहला पद क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा इसके दोनों पदों से कर देंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब आएगा इसके नीचे लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, सजातीय पद के नीचे लिखेंगे। इसके बाद घटाने के लिए इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा घट जाएगा 3 में से 2 जाए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहां पर पहला पद नए भाज्य का माइनस एक्स स्क्वायर है और भाजक का पहला पद एक्स है तो इसमें इससे भाग देंगे तो अगला पद भागफल का जो होगा कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करके इसके नीचे लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स का माइनस 2 से तो प्लस 2x, चिन्ह बदल देंगे ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा और 3 में से 2 घटा देंगे तो एक्स, ये उतार लेंगे माइनस 2। अब देख रहे हैं यहां पर जो नया भाज्य आ रहा है शेषफल आ रहा है और भाजक एक ही है, इसलिए अगर इसमें इससे भाग दे देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो इसके आगे का जो पद होगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 बार में भाग जाएगा, इसका गुणा करके इसके नीचे लिख लेंगे तो यह आ जाएगा 1 का गुणा x में तो x हो जाएगा, और 1 का गुणा माइनस 2 से तो माइनस 2, फिर चिन्ह बदल के आप घटा देंगे कट जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0। इसलिए जी एक्स की वैल्यू आ गया भाग देने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अर्थात भाजक बहुपद जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।
इसी के आधार पर एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ है, भाग देना है, आप खुद करेंगे।